प्यारे दीनी भाइयों, अपडेट फॉर विज़न में आपका इस्तकबाल है। आज तामीर अदब हिस्सा अव्वल के पेज नंबर 26 और 27 से 38वां सबक लेकर हम हाजिर हैं। इसमें पेज नंबर 26 में ये अरबी की मशक है, अरबी के जुमलों की मशक है। इसको हम छोड़ देते हैं, इसको और इसको दोनों को छोड़ के यहाँ से उर्दू के जुमलों का मश्क करते हैं। चूँकि अरबी के लिए एक अलग दर्स रखे हैं, इसलिए अरबी को उर्दू में छोड़ देते हैं। तो आइए 38वां सबक हम शुरू करते हैं। ये हेडिंग है, उन्वान है, दीन की बातें। इस सबक में एक एक जुमले हैं, इस्लामी मालूमात भी है और इसको सिर्फ रवा पढ़ेंगे। तो आइए सबक शुरू करते हैं, 38वां सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीन से आसमान तक सारी चीज़ों का तन्हा मालिक अल्लाह ताला है। आप भी मेरे साथ पढ़ते चलें, मैं रुक रुक के पढ़ रहा हूँ। इसलिए कि उसी ने हर चीज़ पैदा की और बनाई है, इबादत का हकदार सिर्फ वही है, उसके सिवा कोई बड़ी या छोटी चीज़ इबादत के लायक नहीं। चार आसमानी किताबें मशहूर हैं। ये चारों किताबें अल्लाह तबारक व तआला ने अंबियाए किराम पर नाजिल फरमाई हैं, इनको आसमानी किताबें कहते हैं। नंबर एक तौरेत, नंबर दो ज़बूर, नंबर तीन इंजील और नंबर चार कुरान मजीद। अब आइए यहाँ से, हज़रते मूसा अलैहि सलाम नबी थे, पत्थर पर लाठी मारकर उससे पानी निकाला करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की दी हुई ताकत से मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। हमारे नबी का प्यारा नाम मुहम्मद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे नबी को अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान, ये देखिए ज़मीन और आसमान के बीच में ये वाव है, इस वाव को वाव अत्फ बोलते हैं। इसको अकेले नहीं पढ़ा जाता है, मिला के पढ़ा जाता है। ज़मीन व आसमान नहीं पढ़ेंगे बल्कि ज़मीन व आसमान इस तरह पढ़ेंगे। तो आइए फिर यहाँ से पढ़ते हैं, हमारे नबी को अल्लाह ताला ने ज़मीनों आसमान सारे जहान का हाकिम बनाया है। चांद और सूरज पर हमारे नबी सरकार मुस्तफ़ा अलैहि सलातो वस्सलाम का कब्ज़ा है। दुनिया में हज़ारों नबी तशरीफ़ लाए, लेकिन सबसे बुलंद, बुलंद के माने ऊंचा, सबसे बुलंद व बाला, वो अलग से नहीं पढ़ेंगे, बुलंद व बाला नहीं पढ़ेंगे बल्कि सबसे बुलंदो बाला मर्तबा सरकारे मुस्तफ़ा का है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब
प्यारे नबी का नाम लो या सुनो तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहा करो। अब आइए यहाँ, जब कुछ खाना चाहो या कोई चीज़ मसलन पानी, दवा, दूध वगैरह वगैरह का मतलब इसके अलावा, जिसको हिंदी में बोलते हैं इत्यादि, पीना चाहो तो पहले बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ो। यानी हर चीज़ के खाने या पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरा, सिर्फ बिस्मिल्लाह नहीं, पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। खाने और पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहो जब बादल गरजे या बिजली तड़पे तो सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह पढ़ो। 38वां सबक ख़त्म हुआ। इस सबक को भी वीडियो को पीछे करके बार 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 आप रवानी में पढ़ें, इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी उर्दू तेज़ तेज़ पढ़ना सीख जाएंगे।